नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, देश के लाखों विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको पता होगा कि देश भर में नीट 2024 की परीक्षा देने वाले छात्र आंदोलनरत थे। वे परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। कोर्ट कचहरी तक मामला चला गया। उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। फैसला ये कि 1563 अभ्यर्थियों का, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है, वो उनकी परीक्षा रद्द की जाती है। ग्रेस मार्क्स जिन विद्यार्थियों को मिला है, उनका रिजल्ट रद्द कर दिया गया है और उनके लिए दोबारा से परीक्षा की डेट जारी की गई है, 23 जून को। जो विद्यार्थी जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था, जिन्हें पास किया गया था, 1563 विद्यार्थियों की संख्या है, इन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा में बैठनी है और तो और 30 जून तक इनका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा। पूरा मामला क्या है, हम पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। दरअसल नीट 2024 परीक्षा देने वाले लाखों विद्यार्थियों की शिकायत थी कि परीक्षा में धांधली हुई है। कई जगहों पर प्रश्न पत्र लीक की खबरें आई। कई जगहों पर इस बात की चर्चा थी कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दे दिया गया, और ग्रेस मार्क्स भी कितना, 700 से लेके 778 तक। ये संभव नहीं है, इतना ग्रेस मार्क्स कैसे दे सकते हैं, और इसी को लेकर मामला कोर्ट चला गया। 3 लोगों ने याचिकाएं दायर की थी। एक अलख पांडे हैं, फिजिक्स वाला की, एक मोहम्मद फैज साहब हैं, और एक विद्यार्थी हैं जो कि खुद नीट की परीक्षार्थी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन याचिकाकर्ताओं की मांग ये थी कि नीट की परीक्षा रद्द की जाए। उन्होंने तर्क ये दिया था कि आर्बिट्ररी यानी मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिया गया है कुछ विद्यार्थियों को, और ये कुछ नहीं है, 1536 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, और ये गड़बड़ी है। और इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। इसके बाद देश भर में आंदोलन, परीक्षा रद्द करने की मांग, केंद्र सरकार की फजीहत, बाकी सब एडेड है। और इस पर राजनीति भी हुई, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां जहां या जिस बारे में भी आपत्ति है, आप हमें बताइए, वो परीक्षा रद्द कर देंगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट सही है, जिनमें किस तरह का कोई विवाद नहीं है, उनकी परीक्षा हम रद्द क्यों करें? उनकी काउंसलिंग जारी रहेगी। नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग का होता है, तो उनको काउंसलिंग किया जाएगा। लेकिन जिन विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था, 23 जून को दोबारा उनकी परीक्षा होगी, 30 जून को रिजल्ट आएगा, और अगर वो पास करते हैं तब उनकी काउंसलिंग होगी। तो हर तरह के विवाद को सुलझाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने, और नीट 2024 के बहाने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बिहार से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक के विद्यार्थी आंदोलनरत। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस विवाद का समापन होगा। लेकिन इस विवाद पर याचिकाकर्ता अलख पांडे, जो कि फिजिक्स वाला के, उनका और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का क्या कहना है, पहले वो सुन लेते हैं। मैं कुछ विद्यार्थी आज हमें मिलना चाहे, मैं उनको बुलाया, उनकी पेरेंट्स भी आए थे, उनको भी मिला, मैंने उनके पक्ष को भी सुना और मैं उनको आश्वस्त किया। सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 24 लाख विद्यार्थी एप्लीकेंट थे, 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। ये स्वाभाविक, जिनके मन में जो जो शंका आती है, कुछ विषय ध्यान में आई थी, 6 सेंटर की कुछ गड़बड़ियां ध्यान में थी, ग्रेस मार्क उनका समय कम मिलने के अभाव में जो एक फॉर्मूला को यूज करते हुए ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें भी कुछ आपत्ति आई, उसको भी सुधारा गया। उनको पुनः परीक्षा देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दे दिया है, उनको सूचित कर दिया गया, जो परीक्षा देना चाहते हैं वो आके परीक्षा भी दे सकते हैं। और एक दो जगह के कुछ अखबारों में और कुछ मीडिया में ध्यान में आई गड़बड़ियों का कुछ जानकारी है। ये सारा विषय इन दिनों में नीट को लेके 41 पेटिशन पड़ी है विभिन्न हाईकोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी, तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे, और कोर्ट की फैसला हम, जैसे कल एक समाधान निकला कि नहीं, इस प्रकार के लोगों को रीटेस्ट का अनुमति दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा,
मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है, परीक्षा अच्छी हुई है, एक दो जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फेक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए, और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं, अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है। और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं, कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्परेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद, कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। ये तो थी नीट 2024 का विवाद और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन एक और बड़ी खबर है, हमारे देश में ईवीएम को लेकर भी बहुत सारे विवाद होते रहे। ईवीएम अच्छा है, ईवीएम खराब है, हम आज इस विवाद पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ईवीएम की तारीफ आज वैसे देश से सामने आई है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। पाकिस्तान की संसद में ईवीएम को लेकर बहुत कुछ कहा गया और साफ साफ ये कहा गया कि भारत में जिस तरह से चुनाव होते हैं और ईवीएम की जिस तरह उपयोगिता है, एक बार उस पर चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान के संसद में भारत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर क्या कहा गया, पहले आप सुनिए। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी elections हुए हैं वहां पे, 800 million से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे, एक जगह पे एक बंदा रहता था उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने, एक महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया, एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग्ड था, इंतकाल इक्तदार कैसे हुआ। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी के अकाउंट की जंग लड़ता रहो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता हो, जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। कुल मिलाकर दोनों तरह के विवाद, परीक्षार्थियों का विवाद और दूसरा भारत की चुनाव प्रणाली से जुड़ा विवाद, इन दोनों मुद्दों को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। आपको ये विषय कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर नीट 2024 की परीक्षा से जुड़ा कोई सवाल है या फिर आप अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त करें। और दूसरी बात, ईवीएम को लेकर अब आप क्या सोचते हैं जब चुनाव खत्म हो गए? अपनी राय ईवीएम को लेकर भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।